कर्नाटक को लेकर सर जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा है कि बजरंग दल पर हम बैन करेंगे, हमारी सरकार आएगी, तो इसमें मोदी जी कह रहे हैं कि आप लोग बजरंगबली का सीधा अपमान कर रहे हैं, उनको गेट में ताला लगा रहे हैं जैसे पहले राम को लगाया था। मोदी जी फेंकने में बहुत माहिर हैं। अब वो कबीर जी को, गुरु नानक, गुरु गोरखनाथ जी को एक साथ बिठा देते हैं, एक साथ बैठ के समाज के उत्थान की चर्चा करते थे। कौन कौन सदीव हुए, गुरु नानक देव, गोरखनाथ जी, कबीर जी, सबके कार्यकाल अलग है। जो चीज पाकिस्तान में उसको बिहार का बता देते हैं, जनसंख्या जितनी नहीं है उतना जनसंख्या बताते हैं, 650 करोड़ का। भाई बेन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला है, बजरंग बली क्यों नहीं, बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं, और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। और राम को ताला लगा, अरे राम अयोध्या के मंदिर में ताला खुलवाने का काम तो राजीव गांधी ने किया था, तो कितना झूठ बोलेंगे प्रधानमंत्री के रूप में। अब तो इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि लोग अब उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसमें भी झूठ बोल गए, बजरंग दल को बैन लगाने के बाद, क्योंकि गुंडागर्दी कर रहे हैं। यहां भी क्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता कि आप कानून में हाथ मिले। यदि कोई अपराध हुआ है तो अपराधी को सजा देने की प्रक्रिया है, संविधान में व्यवस्था है, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, सीधा एक्शन में। तो बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आप कानून सीधा हाथ में ले लेंगे। तो इस बात को यदि रोक लगाने की बात यदि कांग्रेस कर रही है तो उसकी चर्चा तो नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है, प्रधानमंत्री इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज तत्कालीन जो समस्या है, अडानी का शेयर इतना गिर क्यों गया, हिडन मार्केट जो रिपोर्ट आया है उसके बारे में प्रधानमंत्री जी मौन, एक शब्द नहीं बोल रहे। कर्नाटक के विकास के बारे में कुछ नहीं कर रहे, वो या तो अपने बारे में बोलते हैं, अपने इंकन पे बार गाली दी वो बात बोलेंगे, तो प्रधानमंत्री पास हट जाओ भाई, आपको कौन गाली देगा, आपकी आलोचना कौन करेगा। सर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, क्या यहाँ पर बजरंग दल को बैन किया जा सकता है, इसकी शुरुआत क्योंकि कर्नाटक कह रही हमारी सरकार आएगी तब, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस अलग अलग, अलग देखो वहाँ क्या हो रहा है उसके कारण से यहाँ ऐसा होगा। यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दिए हम लोग, है ना, जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहाँ की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से। अब वहाँ लागू हो गया तो यहाँ करेंगे क्या, वहाँ ऐसा हुआ तो यहाँ करेंगे क्या। अब दो लीटर आधा लीटर दूध हर घर में देंगे बोले मतलब मोदी जी और अमित शाह कर्नाटक में, तो मध्य प्रदेश में दे रहे हैं क्या, गुजरात में दे रहे हैं क्या, वो कर्नाटक की बात है, कर्नाटक में बोले हैं, ठीक है।